प्रदेश के सिंगरौली जिले में धरने के बाद भी प्रेमी शादी करने के लिए किसी भी तरीके से राजी नहीं हुआ। लड़की शादी करने के लिए जिद में अड़ी रही, लेकिन लड़के ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। सिंगरौली जिले के बरगवा थाने इलाके की युवती ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए उस प्रेमी के घर के सामने धरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। मामले में बताया गया कि सिंगरौली के माजन इलाके के रहने वाला युवक लड़की से 3 साल से शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। जब इस युवती ने युवक पर दबाव डाला तो वह शादी के लिए तैयार नहीं हुआ और शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की लड़के के घर पहुंच गई और काफी देर तक वहां दरवाजे पर बैठी रही। इस दौरान युवती की मां भी उसके साथ धरना दे रही थी। लड़की का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे शादी अपने प्रेमी से ही करनी है। प्रगति साहू बरगमा के, लड़का फरार है, शादी नहीं कर रहा है। अंजलि साहू, 3 साल से हमसे शादी का नाटक किया, हमसे प्यार किया, हर एक चीज किया, शारीरिक शोषण भी किया, हमें छोड़ रहा है। थाना में हमारे यहाँ आया, हमारे घर वाले उसको 100 नंबर फोन किए और उसको बरगवा थाने में हमसे समझौता किया, बोला कि शादी करेंगे, अब शादी करने से मना कर रहा है। हमारी स्थिति आ गई है रोड की कतार में, हम कहाँ जाए बताइए, हमें नहीं पता है क्या स्थिति आ गई। चुप रहिए ना, जो हम सच्चे बताते हैं, सुने नहीं देते। उसके घर वाले रखने के लिए तैयार नहीं है। लड़का चाहे तो रख सकता है, लेकिन लड़का थाने में समझौता भी किया था कि मैं शादी करूंगा अच्छे से रीति रिवाज से, फिर भी शादी नहीं कर रहा है हमसे। ये मम्मी है, रोड में हमको नहीं जाना, उसके घर जाना, उससे शादी करनी है, और हम कुछ नहीं जानते। हमारा इतना बेइज्जती हुआ, हम कहाँ जाएंगे बताइए, कौन से काबिल हम कौन रखेगा हम। पुलिस सूचना दी है, मुकदमा हम दायर नहीं करेंगे, हम केस लड़ नहीं पाएंगे, मरना मंजूर है, लेकिन हम ये अब हम नहीं हो पाएगा हमसे, हम जिंदगी से हार चुके हैं। क्या नाम है आपका? प्रगति साहब। कहाँ की रहने वाली है? क्या बताएं हम सर, हमारा क्या नाम है, खुद मजबूर हो गए। लड़कियों को बलात्कार करके रोड पर घसेट के अंजनी गुप्ता घुमा रहा है, ये अच्छा बात है? रंगे हाथे अपने घर में मैं दोनों कमरा में पकड़ लिए, अपने लड़की को अंजनी को बंद कर दिए कमरे में, फिर इसके बाद 100 नंबर डालकर टीआई साहब बरगवा का उठा के ले गए। दोनों को थाने में मैं पेश कर दी, लॉकअप करवा दी, सब कुछ करवा दी। फिर दोनों ने भाई वहाँ बोला कि मेरे माँ बाप को हार्ट का मरीज है, मैं अपने माँ बाप को नहीं बुला सकती है। फिर मेरी लड़की रहम करी कि उसको लॉकअप से छुड़वा दी कि ठीक है अंजनी को माँ छुड़वा दो, अंजनी हमसे शादी कर देगा, तो क्या गलत करे? गज बरेनिया माजन का माल से लम मरीज चल रहा है, काले जाती थी बैठन, कैसे कैसे दोनों ने मिलान कर लिया है, 3 साल से संबंध बना रहा है। अब शादी के चस्की दे करके लड़कियों की इज्जत लूट करके रोड पर हम लोगों को नचा रहा है। लड़की इसके घर में आती है, फोन करता है, सुबह काले जाई थी तो फोन करके भिड़काता है, घुमा कर देता है, रिपोर्ट नहीं करने देता है, घुमा देता है कि केस मुकदमा मत करो, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, मतलब घुमा कर दिया है, प्यार में लेकर के झसकी देता है, अपने प्यार के जाल में फंसाता है, जब फंसने का मौका लगता है तो बहका देता है कि वो शादी करे, मेरे लड़की को जैसे इज्जत बिगाड़ा। बरगवा पुलिस को सूचना दी है, नमानगर थाने पुलिस को सूचना दी हो, समय से थाने में जा करके गुंडागिरी कर रहा है, हम लोग को गाली देता है, बोलता है मर्डर करा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तुम लोग पैसादार नहीं हो, गरीब हो, अब बोलता हम लोग को शादी नहीं करेंगे तुमसे। मदद करती है पुलिस में कोई गलती नहीं है, सारी गलती अंजनी के पिताजी का प्रजापति है। ये चारों लोग ने अंजनी को भगा देते हैं घर से, अभी भाग गया है वो घर से, हम लोग को देखा है। हाँ, हम थाने में गए थे, महिला थाने में अंजनी को बुलाए थे, नहीं गया, थाने में भी गया था, अखड़ की बात करता थाना नवानगर में आज एक बच्ची ने एक आरोपी खिलाफ जो है 376 का प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। यह बच्ची जो है कल शाम को अपने परिवार के साथ, माता पिता और परिजन के साथ आरोपी के घर के सामने रोड पे बैठी हुई थी। कल पुलिस पहुँच कर इससे चर्चा की तो चर्चा में यह जानकारी आई कि बच्ची का प्रेम संबंध आरोपी से था और उसने शादी का झांसा दे करके और
इससे शारीरिक संबंध बनाए थे, अब शादी करने से इनकार कर रहा है। इस संबंध में उनका ये पुलिस से अपेक्षा थी कि वो उनके घर में रहने के लिए व्यवस्था करा दें, किंतु आरोपी के परिजन इस बात से इनकार कर रहे थे। आरोपी भी जो है अपने किसी व्यवसायिक कार्य से बाहर था। आज उसकी रिपोर्ट पर मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। जो बातें सामने आएंगी चार्ज के रूप में, तदनुसार कार्रवाई संपन्न की।